नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सामने आपको नजर आ रही है एडवोकेट विक्टोरिया गौरी। रिसेंटली ही इनको कोलेजियम के द्वारा एडिशनल जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट की पोस्ट के लिए रिकमेंड किया गया। लेकिन जैसे ही ये रिकमेंडेशन आई, कुछ पेटिशंस फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इन पेटिशंस को प्रोड्यूस करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, कोलेजियम की फंक्शनिंग में कुछ तो आप कह लो प्रॉपर नहीं है। चूंकि यहाँ पे दो ऐसे जज जो कि कोलेजियम के ही पार्ट हैं, उनके कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज निकल के आ रहे हैं जस्ट एक दिन के अंतराल पे। वैसे आप देखो तो कोलेजियम को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने भी कोलेजियम के अगेंस्ट बात की, हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी कोलेजियम के अगेंस्ट बात की। ये बोला कि एनजेएसी सही था, कोलेजियम को अपहेल्ड करके एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के सुप्रीम कोर्ट ने सोवेरेनिटी को वायलेट किया। तो उस प्रकार के बहुत से स्टेटमेंट दिए गए। इनफैक्ट केशवानंद भारती जजमेंट को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। वो सब मेडिटोरियल करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पे क्या हुआ है मिस गौरी के केस में, विक्टोरिया गौरी के केस में, तो 17 जनवरी को रेजोल्यूशन लिया सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर आपको रेजोल्यूशंस के बारे में जानना है तो आप जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट दिख रही है, कोलेजियम रेजोल्यूशन वाले टैब के अंदर जाइए। नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगा 17 जनवरी का ये स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट्स एज जजेस इन मद्रास हाई कोर्ट। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे नजर आ रही है मिसेस लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी। तो इनको ये एडवोकेट थी, जज बनाया गया है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन अब जब इनका नाम रिकमेंड किया यहां पे कोलेजियम के द्वारा, तो बेसिकली दो पेटिशनर्स यहां पे, दो सीनियर एडवोकेट्स यहां पे सामने आ गए हैं। एक है आर वैगई, एक है एन्ना मैथ्यू। इनका ये बोलना है कि पास्ट में लगभग 2018 में हेट स्पीच के इल्जाम के अंदर चार्ज किया गया था विक्टोरिया गौरी जी को। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो हेट स्पीच में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है, उसको आपने ओवरऑल जज कैसे अपॉइंट कर दिया, जज की रिकमेंडेशन के लिए कैसे सामने रख दिया। अब देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको कोलेजियम द्वारा जज की पोजिशन के लिए, मद्रास हाईकोर्ट की जज की पोजिशन के लिए नॉमिनेट किया गया। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्राडक्टरी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा और दो और जजेस के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो 6 फरवरी को जब पेटिशनर्स द्वारा लाई गई पेटिशन जो कि विक्टोरिया गौरी के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में हियर किया गया ओपन बेंच में, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये बोला कि देखिए, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन आ चुकी थी विक्टोरिया गौरी जी को जज अपॉइंट करने की, उसके बाद ये हेट स्पीच वाला मुद्दा हमारे सामने लाया गया। अगर हमारे पास हेट स्पीच वाला मुद्दा पहले होता तो हम शायद कुछ और पॉइंट बनाते। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बोल दिया 6 फरवरी को पेटिशन हियरिंग में कि भाई कोलेजियम के सामने ये जो हेट स्पीच वाला मुद्दा था विक्टोरिया गौरी का, ये बाद में लाया गया, पहले रिकमेंडेशन दिया जा चुका था। अगर पहले लाया जाता तो हमको सोचते कि हाँ भाई, इनकी हेट स्पीच सही थी गलत थी। ये बोल दिया 6 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। लेकिन बवाल उसके बाद हुआ। 7 फरवरी को एक स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिसेस बैठी जिसमें संजीव खन्ना साहब थे और बीआर गवई साहब थे। इन दोनों लोगों ने क्या बोल दिया, इन दोनों लोगों ने ये बोल दिया कि भाई विक्टोरिया गौरी जी ने तो 2018 में कमेंट्स दिए थे। अब वो जो 2018 के कमेंट्स हैं उनके बारे में तो कोलेजियम को पता ही है। तो अगर कोलेजियम को पता होने के बावजूद उनको अपॉइंट किया गया है, मतलब कोलेजियम कहीं ना कहीं उन स्टेटमेंट्स को हेट स्पीच मान ही नहीं रहा है। तो संजीव खन्ना साहब यहां पे अप्रिहेंशन एले कर रहे हैं कि हाँ भाई, कोलेजियम को पहले से ही पता था कि इनके अगेंस्ट हेट स्पीच के कुछ चार्जेस हैं, उसको हमने ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पे जज की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। 6 फरवरी को हमारे चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि भाई ये जो हेट स्पीच वाले स्टेटमेंट्स थे ये कोलेजियम को पता नहीं थे रिकमेंडेशन देते वक्त, और वहाँ पे ही अगले ही दिन 7 फरवरी को स्पेशल जो बेंच थी जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना थे और जस्टिस बीआर गवई थे, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 2018 के स्टेटमेंट्स थे, कोलेजियम को पता ही होंगे नाम रिकमेंड करते वक्त। अब सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ओवरऑल जस्टिस संजीव खन्ना भी कोलेजियम में है, और अगर आप देखो तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो तो देखो कोलेजियम में है। अभी रिसेंटली रेजोल्यूशन आया है 31 जनवरी 2023 को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को लेके। इसमें अगर आप देखोगे तो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, इसके एंड में आपको उन जजेस के नाम दिख जाएंगे जो कि हमारे कोलेजियम का हिस्सा है।
तो इसमें धनंजय भाई चंद्रचूड़ साहब जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके बाद संजय किशन कौल साहब, फिर के एम जोसेफ साहब, एम आर शाह साहब, अजय रस्तोगी साहब और संजीव खन्ना साहब। तो संजीव खन्ना भी कोलेजियम के मेंबर हैं और डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी कोलेजियम के मेंबर हैं। और बड़ा ही अजीब है कि 6 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, कोई कोलेजियम को यह पता ही नहीं था कि एड स्पीच का कोई मैटर है विक्टोरिया गावड़े के अगेंस्ट नाम रिकमेंड करने से पहले, और उसके अगले ही दिन संजीव खन्ना साहब अपने जजमेंट में ये बता रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट तो 2018 के हैं, तो कॉलेजियम जब नाम रिकमेंड कर रहा था 2018 के स्टेटमेंट को तो जानता ही होगा। तो ये दो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को एक गलत लाइट में दिखाते हैं। इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑब्वियसली बात है कॉलेजियम को इस समय पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये एक पॉइंट ऑब्वियसली बात है इस क्रिटिसाइजमेंट को और शार्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मजा आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर।